मैं चाह रहा था कि इन लोग की एंगेजमेंट जल्दी हो जाती। भाई देखिए, दो चार महीने तो लग ही जाएंगे। भाई हमें हज पे जाना है, सरफराज को पता है हमें हज पे जाना है, वहां से वापस आके ही दिमाग कर पाएंगे। भाई सरफराज को लेके इतना क्यों? सलाम अबू, सलाम मम्मी, सलाम बेटा, आओ बैठो। अरे तमीदा, ठीक हो बेटा? बिल्कुल ठीक हूँ। सब खैरियत तो है बेटी? जी अम्मी। क्यों अचानक? बस अम्मी जान, आपकी याद आई, सोचा आपसे मिलाऊं। बहुत अच्छा किया बेटा, हमें भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। वो अबू फहमीदा यहाँ से नाराज होकर गई है। वो नाराज होकर आ गई है? अबू बात यह है कि फहमीदा को फिल्मों में काम करने का मौका मिला है, इस बात की जानकारी हमारे अबू को हो गई और वो बहुत गुस्सा हुए, इसलिए फहमीदा रुक कर यहाँ चली आई है। फहमीदा ये क्या पागल बनती है बेटा, आखिर खानदान की इज्जत का कुछ तो ख्याल किया होता। अम्मी जान आप कैसी बातें कर रही है, आजकल के जमाने में तो फिल्मों में काम करने से इज्जत बढ़ती है। दादी जान, जो आपने सुना वो सच्चाई नहीं है, वो तो सिर्फ डायलॉग्स थे। डायलॉग? दादी जान, मोंटू भैया जो फिल्म बना रहे हैं वो तो सिर्फ उसके डायलॉग थे और मैं तो सिर्फ उनकी रिहर्सल कर रही थी। हमें तो बस एक ही बात का डर सता रहा है। आपको किस बात का डर सता? बेटा मैं ये क्या सुन रहा हूँ, बात इतनी बढ़ चुकी है और तुम हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हो। अबू जान, अब मैं क्या बताऊं आपको, हम सबने फहमीदा को समझाने की हर मुमकिन कोशिश कर ली, मगर वो है कि समझने का नाम ही नहीं लेती। देखो, अगर समझाने से नहीं समझती है ना, तो उस पर दबाव डालो, उसको जबरदस्ती रोको। वो तो ठीक है अबू जान, अगर हम उसे जबरदस्ती रोकें और वो फिर भी ना रुकी तो क्या? फिर बात और भी ज्यादा बिगड़ जाएगी अब्बू। इसका मतलब ये हुआ वो जो करना चाहती है उसको करने दिया जाए। ठीक है, बुलाओ फहमीदा को, अब इस मामले को मैं अपनी तरह से निपटाऊंगा। मैंने उसे अभी बुलवाया है अब्बू, वो आती ही होगी। अरे तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया है, हमारी तो अपने बुजुर्गों के सामने जुबान खोलने की हिम्मत तक नहीं होती थी, मगर ये आजकल की औलाद है, इन्हें समझाने की कोशिश करो तो बुजुर्गों की बात को हंसी में उड़ा देती हैं, और अगर इन पे दबाव डालो तो मुखालफत करना शुरू कर देती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बैठो बैठो। अरे भाई फहमीदा, हम ये क्या सुन रहे हैं, तुम फिल्मों में काम करना चाहती हो? मैं फिल्मों में काम करना चाहती हूँ। अरे तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है, तुम्हारे दिल में ये ख्याल आया कैसे, तुम्हें अपने खानदान की इज्जत की कोई परवाह नहीं? दादा जान, इसमें बुराई क्या है? लो, अब ये पूछ रही हैं कि इसमें बुराई क्या है, हैं? अरे मैं पूछता हूँ इसमें अच्छाई क्या है? दादा जान, आजकल के जमाने में तो बाकायदा ये एक फन है, हुनर है। लोगों के सामने नाचना गाना और ये फूहड़ हरकतें करना तुम्हारे लिए शान की बात हो सकती है, मगर हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। और नहीं तो क्या, जेब कतरा भी दूसरों की जेब काटने को हुनर ही समझता है। देखो, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम ये बेहुदा ख्याल अपने दिल से बिल्कुल निकाल दो। दादा जान, ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर किया है और मैं इसे बदल नहीं सकती। तुम्हें अपना फैसला बदलना होगा, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, मैं बता रहा हूँ। बेटी फहमीदा, मेरे ख्याल से तुम्हें अपने फैसले पर दोबारा गौर करना चाहिए। गौर नहीं, तुम्हें अपना फैसला बदलना होगा, वरना तुम्हारा इस घर से रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। दादा जान, मैं तो आपसे रिश्ता रखना चाहती हूँ, मगर आप मुझसे रिश्ता रखना ही नहीं चाहते, तो फिर ये आपकी मर्जी है। भाई कमरू, तो फिर क्या चल रहा है? बस सारी सफाई कर दिया हजूर, बस एक चीज की कमी है। एक चीज की कमी? हाँ। किस चीज की कमी? तिजोरी की। अरे उसे साफ करने वाला तो मैं बैठा हूँ ना। हाँ हाँ हजूर, वो तो आप करेंगे ही, लेकिन सफाई इस तरह से कीजिएगा कि उसको ताला लगाने का जरूरत ना पड़े। हाँ। खबरदार, तुम्हारे हाथ पांव कम और जबान ज्यादा चलने लगी है। अरे हुजूर, मेरे वालिद के वालिद ये कहते थे कि जिसकी चले जबान उसका बसे जहान। बहुत गलत कहते थे, जबान एक ऐसा तीर है जो कभी भी निशाना चूक जाता है।
चूक जाता है तो चूक जाए, अब काले खां की बजाय पीले खां को लग जाए तो लग जाए, हमारा क्या जाता है। अगर काले खां के बजाय पीले खां को लग गया तो पीले खां मार मार के तुम्हारा लाल खां बना देंगे। अरे हुजूर हमें क्या फर्क पड़ता है हुजूर। इसका मतलब कि मैं भैंस के आगे बीन बजा रहा हूँ। आप मेरी तोहीन कर रहे हैं। क्या मतलब? अरे हुजूर अगर आप बीन बजाना जानते हैं तो आप तो उसी की तोहीन कर रहे होंगे ना हुजूर, मेरी क्यों करेंगे हुजूर। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? क्या है मेरा मतलब? तो कुछ नहीं है, बिल्कुल साफ है हुजूर, आप समझदार हैं। शट अप, अगर तुमने ज्यादा बकवास की तो मैं तुम्हारा बैंड बजा दूंगा। अरे क्या बात है भाई, किसका बैंड बजाने की बात हो रही है? घंटी बज गई, लगता मेहमान लोग आ गए, उन्हीं की बस तैयारी चल रही है बैंड बजाने की। मेहमान? हाँ। कौन मेहमान आ रहा है? अरे वही फहमीदा आपा जिनकी फिल्म में काम करने वाली है, मैं उन्हें लेके आता हूँ। तो ये बात है। देखिए अबू जान, वो हमारे फिल्म प्रोड्यूसर है और मैंने उन्हें चाय पे बुलाया है, प्लीज आप ऐसा कोई व्यवहार मत करिएगा कि उन्हें बुरा लगे। फहमीदा तुम तो जानती हो कि घर आए मेहमान के साथ मैं बदसलूकी नहीं करता हूँ, जानती हो ना अच्छी तरह, और मेरी भी ख्वाहिश है उनसे मिलने की। गुड मॉर्निंग सिस्टर फहमीदा। गुड मॉर्निंग सर। आइए तशरीफ रखिए। थैंक यू इज माय डैड। योर गुड नेम सर? इरफान। ओह वेरी नाइस नेम। My brother Sarfaraz. Oh, hello Sarfaraz. How are you? Who is this gentleman? मैं हूँ मशहूर अदाकार कमरुद्दीन उर्फ शरफुद्दीन रामपुरी। रामपुरी तो उसकी वहाँ की तो छुरी मशहूर है, कलाकार कहाँ से मशहूर हो गए? मैं बहुत मशहूर हूँ। हमने आपको कहीं कभी देखा नहीं। So, मोनू साहब, फहमीदा बता रही थी कि आप कोई फिल्म बना रहे हैं। Oh, yes, बिल्कुल ठीक बोल रहा है फहमीदा सिस्टर। उस फिल्म का नाम क्या होगा? फिल्म का नाम है जिंदगी जिसे कहते हैं वो जंग का मैदान है। वाह क्या मिश्रा है। मिश्रा पांडे नहीं है, हमारी फिल्म का नाम है सिस्टर। आपको नहीं लगता कि आपकी फिल्म का ये टाइटल कुछ ज्यादा लंबा हो गया है? Oh, yes, बिल्कुल लगता है। इसको छोटा नहीं कर सकते? नो, वो ज्योतिषी हमको बताया कि तुम्हारे फिल्म के टाइटल के अंदर 15 हिंदी का लेटर्स होना मांगता है। तो तुम्हारा फिल्म सुपर डुपर हिट होगा, 25 हफ्ते चलेगा, यानी कि सिल्वर जुबली। सिल्वर जुबली समझता है? या गुड बॉय। तो आप एक काम कीजिए, अपनी फिल्म के टाइटल में एक मिसरा और बढ़ा दीजिए। आपकी फिल्म 50 हफ्ते चलेगी, यानी कि गोल्डन जुबली। ये चीज तो हम सोचा ही नहीं था। जोशी से पूछेगा, स्मार्ट बॉय, इसको भी एक रोल देना मांगता हूँ। अरे हुजूर इतना लंबा नाम लोग पढ़ेंगे तब तक तो इंटरवल हो जाएगा। खैर ये सब छोड़िए, मुझे ये बताइए कि फिल्म में हीरो कौन है? वो हीरो अभी हम डिसाइड नहीं किया है, कॉन्ट्रैक्ट सबको किया था, अब शाहरुख खान है उसके पास डेट नहीं है, और आमिर खान जो खुद अपना फिल्म बनाने में जुटा हुआ है, और ऋतिक रोशन बहुत ज़्यादा पैसा मांग रहा है, तो हम क्या सोचा है कि दो चार नए हीरोज डालेगा। लेकिन सर एक बात फाइनल है कि आपका ये जो हमारा सिस्टर है फहमीदा, ये फिल्म के अंदर हीरोइन ज़रूर बनेगा, फर्स्ट लीड हीरोइन। क्या आपको लगता है कि हमारी फहमीदा हीरोइन बनने के लायक है? अरे बिल्कुल सर, और बेटी क्या, हम तो आपके बेटे को भी रोल दे सकता है, ब्रदर का रोल जो कि सेकंड लीड रोल है, इज अ स्मार्ट गाय। मोनू साहब आप ये फिल्म थिएटर के लिए बना रहे हैं या फुटपाथ के लिए? व्हाट डू यू मीन? मेरा मतलब कहने का है कि आपने मेरी शक्ल देखी है? हाँ शक्ल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेकअप मैन सब कुछ ठीक कर देता है, गधे को घोड़ा बनाता है, घोड़े को कुत्ता बनाता है, पूरा गेटअप चेंज हो जाता है आदमी का भाई, डोंट वरी। सच कहा आपने, फिल्मी दुनिया में तो लोग अपना नाम तक बदल देते हैं। यू आर राइट, अब हमारा नाम था मोइनुद्दीन, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के हिसाब से पुराने मॉडल का कार जैसा खटारा दिखता था, तो हम इसको नाम को चेंज कर दिया, हम मोनू रख दिया, अब नाउ आई एम मास्टर मोनू। आदाब आदाब, तशरीफ रखो बेटा। सर हु इज शी? ये मेरे दोस्त की बेटी है यास्मीन, ये अमेरिका से आई है। वाओ,
See, she is such a beautiful girl. Charming. आपके पास इस फिल्म के अंदर इसके वास्ते रोल है सेकंड लीड हीरोइन का सेकंड लीड हीरोइन इफ शी इज एग्री आई एम रेडी टू गिव हर रोल। अरे हुजूर आप तो चॉकलेट की तरह सबको रोल बांट रहे हैं, थोड़ा मेरा भी तो ख्याल कीजिए। तुम्हारा फेस के हिसाब से हम तुमको कॉमेडियन का रोल दे देगा। अरे हुजूर आप तो सब घर वालों को एक्टर बना देंगे हुजूर। अरे तो हम भी तो इस घर के मेंबर हैं, सारे घर वाले मिलके एक बेहतरीन सी फिल्म बनाएंगे और सारे घर वाले फिर मिलकर उसको टीवी पे देखेंगे सीढ़ी पे बैठ कर। अरे रंगू धोबी ने अच्छा फंसवा दिया, न कपड़े लेने आता है न कपड़े देने जाता है। प्रोफेसर सरफरान भी है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ ये ले आओ। अरे कहाँ फंस गया अल्लाह मियाँ, ये तो दे आऊँ मर गया। हेलो फहमीदा सिस्टर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग मोनू सर। देयर इज अ गुड न्यूज़ फॉर यू, 20 तारीख से अपन का शूटिंग शुरू हो रहा है। ओह वेरी नाइस। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है। व्हाट प्रॉब्लम? वो क्या है कि फाइनेंसर है ना, वो 30 लाख देने के लिए बोला था लेकिन अभी 25 लाख दिया है और बाकी का 5 लाख बोल रहा है 30 तारीख को देगा। तो ये 20 तारीख को शूटिंग शुरू करना है तो 10 दिन का गैप है ना बीच में, उसके लिए अपन को 5 लाख रुपया चाहिए। तो क्या हम 10 दिन के बाद भी शूटिंग नहीं कर सकते? अरे नहीं नहीं, वो पंडित जी ने इतना बेहतरीन मुहूर्त निकाल के दिया है, अब अगला मुहूर्त जो है साल भर बाद निकलेगा और साल भर में तो अपन को फिल्म का रिलीज करना है ना, तो ये तो शूटिंग अभी करना पड़ेगा। तो अब क्या होगा? थोड़ा 5 लाख का इंतजाम अगर आप कर देती तो। अब देखिए फायदा आपका भी तो है ना। मगर मोनू साहब बात यह है कि। बात कुछ नहीं, आप परेशान ना हो, अरे इंटरेस्ट दे देंगे। बात इंटरेस्ट की नहीं है मोनू साहब, लेकिन अचानक इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करना मेरे लिए थोड़ा कठिन है। अरे कहीं अरे भूल से अपने बात कर लीजिए। अब देखो सिस्टर, तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा रिस्क लिया, इतना बड़ा फिल्म बना रहा है अपन, तो कुछ तो थोड़ा ख्याल करना पड़ेगा ना हमारे जैसे लोगों का। अब ये शूटिंग होना बहुत जरूरी है क्योंकि अपन को मालूम है ये पिक्चर सुपर हिट होगा और फिल्म सुपर हिट होगा तो आप स्टार बनेंगी ना उसमें, इतनी बड़ी स्टार, लोग बैग लेके आपके पीछे घूम रहे होंगे नोटों के, तो भाई फायदा तो आपका भी होना है ना। तो थोड़ा सा अगर 5 लाख का इंतजाम कर लेती हैं तो बुरी बात नहीं है मेरे ख्याल से। मोनू साहब मैं कुछ सोचती हूँ। हाँ सोचिए सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए और जल्दी करिए इसको, 20 तारीख को शूट करना जरूरी है। ठीक है मैं फोन रख रही हूँ। ओके बाय।